इस वक्त मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में इस वक्त मौजूद हूं और ये स्कूल है MVM रेगिस्तान सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं। इस स्कूल में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने कुछ तालमीरी काम कराने के लिए बाकायदा सपोर्ट किया है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ये स्कूल में इसका ये बिल्डिंग बना के दे दिया। ये बिल्डिंग का ये फर्स्ट फ्लोर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से बना के दिया। अभी हम जो राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जो रमसर विलेज में है ये स्कूल, जब 2013 में हम आए थे यहाँ एक छोटा सा स्कूल चल रहा था, वहाँ ये लोग एक लकड़ी का अरेंज करके एक स्कूल बना के शुरू किए थे। फिर हमको लगता था यहाँ एजुकेशन का बहुत ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट करना है। फिर हमने वहाँ एक बिल्डिंग में 2-3 कमरे के लिए मदद किया। इसके बाद हमने फाउंडेशन की तरफ से ये बिल्डिंग का ये फ्लोर भी बना के दे दिया। और इसके अलावा यहाँ जो मिशन का थ्रू जो लोग आए थे केरला से, तलचेरी से कुछ लोग आ गए, वो लोग वहाँ वो 3 क्लासरूम वो भी बना के दे दिया था। वो इस तरह का ओवरऑल हमारा सपोर्ट इस इंस्टीट्यूशन का साथ रहा था। हमने बात की स्कूल के मैनेजर अली मोहम्मद से और ये जानना चाहा कि ये स्कूल किन हालात में कब कायम हुआ था और इस वक्त यहाँ पर बच्चों की तादाद क्या है। उन्होंने हमें बताया, MVM रेगिस्तान स्कूल को इस पूरे एरिया में एक तालीम के अंदर बेदारी पैदा हो और यहाँ के लड़के जो हैं वो अभी बिल्कुल तालीम नहीं थी, तालीम थी ये तो तालीम जिससे यहाँ के लड़के रोज़गार हासिल कर सकें। बड़ी मेहनत करके बच्चों को लेके आना पड़ता है लोगों के पास। माशी निज़ाम जो है इतना नहीं है, यहाँ के लोग मजदूर हैं और भेड़ बकरी चराने वाले हैं, इसलिए उनकी रोज़ाना की इतनी कमाई नहीं है। ये 2008-09 से हमने इस स्कूल को स्टार्ट किया है। पहले गांव में कच्चे छप्पर में लकड़ी का छप्पर बना के किया था, फिर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के सपोर्ट से पहले 3 रूम के लिए सपोर्ट की गई, फिर और उन्हीं की तरफ से और सपोर्ट की गई। आज काफ़ी रूम बच्चों के लिए फैसिलिटी ही और हॉस्टल रूम का भी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से सपोर्ट किया गया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फाउंडेशन ने MVM रेगिस्तान सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ये एजुकेशनल ब्लॉक बना कर दिया है। इसके अलावा भी और भी कई तरह की इमदाद की गई है।